टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 और चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम ML अग्रवाल फॉर क्लास +1 फॉर ISC। इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर ये एक्सरसाइज भी बहुत इजी है। इस एक्सरसाइज में क्या है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना। तो यहां पे जैसे एक्सरसाइज 6.2 है, फर्स्ट सम है, देखो नेम से शो हो रहा है इक्वेशन रिड्यूस, रिड्यूस करना किसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो चेंज इट इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म, ओके दैट इज कॉल्ड। कैसे रिड्यूस करना है, जैसे सर फर्स्ट, गुड इवनिंग बच्चे, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू इजिकल टू फोर। अर्नव 10th में भी किए थे इस टाइप के सम। बताइए हाउ वी कैन सॉल्व दिस, बाय रिड्यूस इट इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या क्या लेंगे अर्नव, एलसीएम एलसीएम लेंगे और कुछ नहीं कर सकते, दोनों में क्या डिफरेंस है याद सर, नहीं करो। तो अगर एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू को वाई ले ले तो 1/y हो जाएगा। हाँ ऐसे करेंगे, समझे, इसको मैंने वाई ले लिया प्लस इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, तो ये चीज आ जाएगी ना। y is equal to 4, तो ऐसे y करना है square, बच्चे, एलसीएम लेके भी हो जाएगा बट वो लेंदी हो जाएगा। y square plus 1 upon y is equal to 4, y square minus 4y plus 1 is equal to 0। +1 इज इक्वल टू 4y, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अब सब इसमें कुछ, फॉर्मूला लगा देंगे। क्योंकि मिडिल टर्म इसमें नहीं हो रही, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला y की वैल्यू किसके इक्वल, माइनस बी प्लस माइनस अनरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके आगे ही कर रहा हूँ, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, -4 प्लस माइनस रूट 16 -4 इनटू 1 4 इंटू 1 इंटू 1, चलो मैं लिख ही देता हूँ, अपॉन 2 इंटू 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस माइनस √12/2, 2√3 कर देंगे इसे। रूट 12 आएगा, 12 में से फैक्टर्स बनाए बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3, एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, आया सर समझ टू बच्चे, भी ले सकते हैं, तो ये हो ये जाएगा कॉमन टू लेंगे प्लस ही, लेना ही टू प्लस पड़ेगा, माइनस 3। अपॉन 2 ये कट गया। वाई की वैल्यू क्या आ गई, टू प्लस माइनस रूट थ्री। अब क्या करें, हमें क्या गिवन है, वाई की वैल्यू एक्स माइनस माइनस टू टू अपॉन एक्स प्लस टू किसके इक्वल, टू प्लस माइनस रूट थ्री, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, ठीक है, क्रॉस करेंगे बेटा एक्स माइनस टू, एक्स को दोनों से करेंगे, 2x + 2√3 प्लस 4 + 2√3, नहीं सॉरी कुछ अरे गड़बड़ कर एक्स रूट दिया, क्या है, तो एक मिनट, एक्स को 2 से, 2 को रूट थ्री से कर दिया, क्या बात है, 2 को 2 से रूट थ्री एक्स, एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाएंगे, ले जाओगे, आंसर तो नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ की है तूने कोई, ओ गुरुजी आंसर मैच नहीं कर रहे,
या इसको इस साइड ले जाओ, रूट 3x प्लस 2x माइनस x, 2 प्लस -2 -4 -2 √3, यहां से क्या आ गया, √3x + x आ गया, यहाँ -6 -2 √3, यहां से सर x से कॉमन कॉमन, ले ले। और रुक जा रुक जा, माइनस क्या कॉमन लेंगे, टू तो क्या बचेगा, थ्री प्लस रूट थ्री यहाँ 3 तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, चलो x की वैल्यू सही होगा फिर, वैसे ही गड़बड़ हो रही है, अपॉन √3 + 1, वो √3 + 1 है और वो 3 + √3 है। √3 - 1, √3 - 1 से ऊपर नीचे, नीचे बचे, मैं यहीं पे कर दूं, 2 आ जाएगा, 2 से 2 काट दो, अब 3 को इन दोनों से, 3 √3 - 3 + 3 - √3 upon 1, माइनस बाहर पड़ा है, ये कट गया, 3 √3 - √3 2 √3 माइनस का 2 √3, ये आंसर है, 1 मिनट चेक करने का, हाँ सही है बिल्कुल, -2 √3 आ गया, यहां से हमारे पास 2 √3 आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व किया, थोड़ा लेंदी हो गया कैलकुलेशन, है कुछ भी नहीं, समझ गए, बोलो बच्चे, पता चला, चलो यस सर। नेक्स्ट सम है इसका सेकंड पार्ट, अर्जुन, जी सर, अर्जुन जी, पर इतना दुखी आत्मा बन के ना बोला कर, टेंशन हो जाती है, सर ने सम पूछ लिया मेरे से, है ना, इसको कैसे करेंगे, हाउ वी कैन डू दिस, बताइए बेटा, सर हम फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगा देंगे, अपॉन को कैसे खत्म, टेकिंग द, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है बच्चे, एक्स जी सर, माइनस 4 इज देयर, x - 1 इंटू एक्स एक्स माइनस 4 प्लस x - 4 इज देयर, x - 2 इंटू एक्स माइनस माइनस 3, और राइट साइड में मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करके कितना आएगा, 10/3 10 बाई, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, व्हाट आई हैव टू राइट डाउन हियर, हाँ -4 4x -x + 4, -4 सेम एक्स को दोनों से करो, x² - 3x -2x + 6 -2x अपॉन में मल्टीप्लाई करो, -x 4x -2x माइनस आगे इज +8 इक्वल टू 10/3, अब x² + x² लाइक टर्म्स को एड सब्ट्रैक्ट कर दो, 2x² -4 -1 -5 -3 -8 -2 -10, -10x 4 + 6 10 प्लस, अपॉन में, एक शॉर्टकट मार दूं मैं, हाँ सर, शॉर्टकट मार दिया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे x² - 6x ऊपर जाएगा +8, 6x + 8 30 6x² - 30x + 30 10x² - 60x + 80 अब 10th में भी बच्चे मैं बताता था हमेशा कि x² को कभी नेगेटिव मत रखना, 10x² - 6x² 4x² 4x² -60x + 30x -30x, -30 तो कॉमन लेके यार पहले कट तो कर सकते थे कुछ। अभी कर लेंगे, अब तू कॉमन ले लो, ठीक है, अब ठीक है अर्नव, हाँ सर, ठीक है।
पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। जीरो जीरो अपॉन टू ओ, जीरो आ जाएगा। नाउ 50 के फैक्टर्स बनाइए, जिनको ऐड करें 15 बने, 10 एंड 5। इसके आगे दो बच्चे मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, बताइए। नो नीड, नो सर, हाँ पक्का? सर, चलो नेक्स्ट सम, अंजला, वन यस सर, अपॉन एक्स प्लस वन माइनस टू अपॉन, आप कहां से थे अंजला? यूपी यूपी में कहां से? ओ क्या, कहां गए बोली अंजला? यूपी में कहां से हो? क्या हो गया अंजला? चलो ये बताओ कैसे करें, टेल मी हाउ वी कैन डू दिस। सर आपकी वॉइस बहुत कट रही है। नहीं, आपका नेटवर्क थोड़ा इश्यू होगा। आप बताइए क्या करें इसमें। सर एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लें? यस सर। चलो टेक द एलसीएम, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, व्हाट वी गेट? एक्स प्लस टू इंटू वन, एक्स प्लस टू माइनस टू इज देयर, एक्स प्लस टू इज देयर, एक्स प्लस वन सेम हियर, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इज एलसीएम। फर्स्ट टर्म क्या आएगी अंजला? और थ्री इंटू एक्स प्लस फोर। सेकेंड टर्म माइनस एज लाइक फोर इंटू एक्स एक्स प्लस प्लस थ्री, थ्री। यहां भी ऐसे डाल दो वन के साथ। ओपन द ब्रैकेट्स, एक्स प्लस टू, ये आगे इक्वल साइन नहीं डालना, माइनस टू एक्स माइनस टू, नीचे एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, वन के साथ करो एक्स प्लस टू, सेम थ्री के साथ करो, थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व अपॉन मल्टीप्लाई करो, थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व। अब यहां माइनस टू और प्लस टू कैंसिल हो गया, माइनस ट्वेल्व एंड प्लस टेन, एक्स माइनस टू एक्स कितना बना? माइनस सर एक्स, माइनस नीचे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, सेम हियर माइनस एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, वन वन बच गया, क्रॉस करो, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व किसके इक्वल? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इसके इक्वल आ गया। आ गया बच्चे, अब क्या करें? सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। हमने ना मल्टी की, हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, बट यहाँ तो एक ही आ रही है, तो हमने एक मिस्टेक की है। क्या की है बता सकते हो? हमने एक्स को एक्स से कट नहीं करना, ठीक है, माइनस को माइनस से काट दो। एक काम करो, क्रॉस करो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, इस साइड क्रॉस करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, सारी टर्म को इस साइड ले आओ, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, ये ध्यान रखना बच्चे, अगर हम एक्स से एक्स काट देंगे तो गलत हो जाएगा, अंडरस्टूड? ये एक्स से एक्स का नहीं कट करना, ये सारी टर्म इस साइड आएगी जी माइनस सर। एक्स। बताता हूं बच्चे, जस्ट वेट, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर अब काट दिया,
4x प्लस 10। अब देखो अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूं तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, अगर मैं x को नीचे लेके जाता हूं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, आइदर दिस और दिस। एक x का आंसर 0 आ गया, एक x का आंसर -10/4 -5/2 आ गया। पीछे हमें ये दो आंसर दिए हैं, अगर मैं यहाँ पे x से x कट कर दूंगा बेटा तो हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर आएगा, ये वाला 0 वाला आंसर नहीं आएगा, समझे? अंडरस्टूड? ओके सर। नाउ अर्नव, थर्ड का फर्स्ट पार्ट तुम अपने आप करोगे, थर्ड का सेकंड पार्ट करवा मुझे। हाँ जी अर्नव, अर्नव हाउ वी कैन डू दिस सम? सर 2 की पावर x+1 को 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, और 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2x, और 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3। छोड़ यार इसको नहीं लिखते, 2 की पावर x इंटू 2 प्लस इसको 2 की पावर x की पावर 2 इजिकल टू 8, ठीक है अर्नव? यस सर, 2 की पावर x को कुछ लेट कर लेंगे अब। वेरी गुड, तू मेरा नाम पक्का रोशन करेगा। बिल्कुल सही बच्चे, हमने क्या किया उसकी पावर में प्लस था, अगर मैं बेस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, पावर ऐड होती है ना, बेस सेम लिख दिया, मतलब इसको मैं ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ, 4 को 2 की पावर 2 की पावर x, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी 8। इसको ऐसे रखा, इसको बच्चे मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर x की पावर 2, पावर के ऊपर पावर तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना। अब यहां फिल करो, y इंटू 2 2y हो जाएगा प्लस y² इज इक्वल टू 8। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा स्क्वायर वाली टर्म पहले, फिर ये मिडिल टर्म हो रही है अर्नव। नहीं सर, 8 के फैक्टर जिनको माइनस करे 2 आए, 4 एंड 2। ओ ये कैसे हो गई अर्नव? हम टू अर्नव सर थोड़ा साइन का हो गया। ओए डंडा पढ़, अब बंद हो गया ना पढ़ना, क्यों पढ़ता है अभी भी? सर जस्ट अभी पढ़ा है। अभी पढ़ा है, वेरी गुड। y+4 × y-2, अब y की वैल्यूज, हाँ चलो अलग अलग 0 की इक्वल करते, y+4 0 की इक्वल, y की वैल्यू -4, इसको करेंगे बच्चे y-2 = 0, y की वैल्यू 2, y के प्लेस पे क्योंकि हमने तो x फाइंड करना है, 2 की पावर x = -4, 2 की पावर x = 2। अब क्या करें बच्चे, नाउ व्हाट आई कैन डू, बताइए अर्नव जी, बोलिए। सर पहले वाली से जो केस है वो तो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर और सर 2 की पावर x = 2 की पावर 1, तो वहां से x की एक वैल्यू बना जाएगी। 2 की पावर x है बच्चे, है ना? यस बोलिए, सर। सिंस ये पॉजिटिव है ना बच्चे, x की पावर चाहे नेगेटिव ले ले चाहे पॉजिटिव ले ले, 2 की पावर x क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा ना, मुझे ऐसी चीज समझाओ, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ मर्जी ले ले, बट लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव आएगी बट राइट हैंड साइड नेगेटिव है, ये केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, विच इज रॉन्ग, -4 नहीं हो सकता। हाँ यहाँ पे 2 की पावर 1 कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, दिस इज अवर आंसर, थर्ड का सेकंड पार्ट का आंसर 1 ही दिया हुआ है, ठीक है? ये चीज समझ आई, रिजेक्ट क्यों किया इसको?
नहीं समझ आई? बोलो बेटा अर्णव, समझ यस आया? शुभांगी, ये यस सर, चीज समझ आ गई? क्यों रिजेक्ट किया इसको? यस सर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 2+ का है पावर, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आंसर ही आएगा ना लेफ्ट का, राइट में ना नेगेटिव है तो ये रॉन्ग हो गया, विच इज रॉन्ग। थर्ड का सेकंड हो गया। फोर्थ सम, मुझे आयुष कुमार सिंह, आयुष यस सर, जी ये सम है 5 की पावर x+1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 5³ + 1। करवाइए क्या करूं? यस अर्ण, आयुष टेल सर मी विच फाइव इज, तक तो फाइव ले लें। क्या अर्जुन भाग गया? अर्जुन है, हाँ जी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1। इसको क्या लिखें हम? 5 की पावर 2, 2 इंटू 5 की पावर, -x। हाँ इसको ओपन कर लो, 125 + 1, 5 इंटू 5 की पावर x लिख सकता हूं मैं। इसको बच्चे 25/5 की पावर x लिख सकता हूं, बताइए। नेगेटिव यस सर, पावर पॉजिटिव करना है बेस रेसिप्रोकल, तो कल ये 25 ऊपर ही रहेगा। अब वही सेम 5 की पावर x को y लेट कर लो, या फिर करो 5y + 25/y = 126। एलसीएम इज y, फर्स्ट टर्म क्या आएगी आयुष? 5y² + 25। यस 126। क्रॉस करो, 5y² + 25 = 126y। सारी टर्म्स एक साइड पे, 126y- का हो जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। 25 5s 125 के फैक्टर, जिनको प्लस करें तो 126 आए, हो जाएगा। बोलिए बच्चे, यू कैन डू इट? यस सर, पक्का? नाउ कर लोगे बेटा? अर्जुन, अंजला, खुशी, निश्चय, शुभांगी, सिया, वैष्णवी, यस सर। हाँ जी, सर सोनू माइनस में नहीं है ना? क्या? हाँ दोनों माइनस के आएंगे बेटा। किसने पूछा था? किसने पूछा था? एक मिनट, अंजला यस सर, लास्ट में साइन देखो बेटा, क्या है? प्लस है ना, तो दोनों प्लस के आएंगे या दोनों माइनस के, वो डिपेंड करता है मिडल वाली साइन पे। मिडल वाला साइन माइनस का है, इसलिए दोनों माइनस के आएंगे बेटा। ओके सर। सीधा ही है, 125y एंड 1y। मैं सीधा आंसर निकालूं, 5y कॉमन, y-25। 1y की वैल्यू 25 आ जाएगी, 1y की वैल्यू 1/5 आ जाएगी, समझे? फाइव की पावर एक्स, इसको बच्चे 5 की पावर 2 लिखे, वाई हमने लेट किया था 5 की पावर x। 5 की पावर x = 5 की पावर -1। कंपेयर करो, 1x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 1x की वैल्यू -1 आ जाएगी। आगे समझ? यस सर, अर्नब जी कहाँ चले गए थे? अच्छा सर लैपटॉप हैंग हो रहा था तो रीस्टार्ट करने गया था। तू ही तो हैंग हो रहा है, फिर को रिस्टार्ट कैसे करें? हैं बता दे। नहीं था तो बीजी में होता रहता है। अच्छा तू तो होता ही रहता है, पर तू डंडे से वो हो जाता है ना, सही हो जाता है। तू ना पुराना टीवी है, पुराने टीवी में क्या होता है, जब बंद हो जाता है उसके चांडा मारते थे खींच के, वो चल पड़ता था, है ना? वो काम है तेरा।
ना हाँ सर, ऐसा नहीं है बट कह भी सकते। अर्नब? चलो, खुशी सिंह जी बच्चे इसको कैसे करेंगे बताइए। यस सर, फिर 2 बाय 3 ब्रेक कर लेंगे सर। क्या करें 2 बाय 3 को ब्रेक करके? हाँ एक्स की पावर 1/3 प्लस कुछ नहीं ब्रेक करना है, पावर 2 लिखनी है, ठीक ओके है। सर, यस सर। माइनस, इसको ऐसे ही रहने दो, -2 = 0। अब एक्स की पावर 1/3 को वाई ले लो, यहां फिल करेंगे तो y2, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई ना, -2। यस सर, 2 के फैक्टर्स बनाओ जिनको माइनस करें 1 आए। क्या सर 2 एंड 1 सर, लिखूं, y2 -2y प्लस वाई -2, -2। यस सर, फर्स्ट 2 लास्ट 2। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है? सर y, वाई y -2 बच गया। नेक्स्ट 2 में 1, वन 1 -2, y -2 साथ में y+1, दोनों को अलग अलग 0 की, y-2 भी 0 की इक्वल, y+1 भी 0 की इक्वल। यहां से y की वैल्यू 2 आ गई, यहां से y की वैल्यू -1 आ गई। y क्या है? x की पावर 1/3 इज 2, यहाँ y x की पावर 1/3 -1। नाउ व्हाट आई कैन डू, क्या करूं मैं बताओ बच्चे। सर 1/3 तो क्यूब रूट क्या बोलते हैं सर, क्यूब रूट होता है ना। क्यों हो जाएगा ना दूसरी तरफ जाके, क्यों यस सर, हो जाएगा ना दूसरी तरफ जाके, ये चीज ध्यान दो बच्चे। चाहे तो क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, चाहे सीधा है 1/3 को उस साइड लेके जाएंगे, पावर 3 हो जाएगी। एक एक्स का आंसर 8 आ गया, दूसरा एक्स का आंसर -1 आ माइनस गया। वन दिस इज अवर आंसर। आ गया समझ बच्चे सबको, ऑल ऑफ यू? यस यस सर, दो जनों की यस आई है, बाकी को नहीं आया? यस सर, चलो आजकल कंजूसी कर रहे हैं बोलने में सारे के सारे। 6 का फर्स्ट पार्ट, निश्चय निश्चय जी, निश्चय यस हाँ जी, हाउ वी कैन सॉल्व दिस, इसको कैसे सॉल्व करें? सर, पहले ABC का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सर लगा देंगे। यस a+b+c का होल स्क्वायर का सर, पता है कितना टाइम लगेगा सम को सॉल्व करने में? आधा घंटा लगा देगा तुम्हें एक एक सम को सॉल्व करने में। टेंथ में भी निश्चय किया था इस टाइप का सम। सोचो, दिमाग लगाओ, किसी ने बोलना नहीं है और सिर्फ निश्चय ही बोलेगा। हाँ जी निश्चय जैन, व्हाट इज दिस, क्या है ये निश्चय? सर याद नहीं आ रहा सर। यस ये क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं जो अंडरलाइन किया, x2+3x है, ये भी क्या है, x2+3x। तो हम x2+3x को y लेट कर लेंगे, यहां फिल करो y+2 का होल स्क्वायर -8y -4। अब इसको ओपन कर लो, या एक काम और कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ओपन ही करना पड़ेगा। a²+b²+2ab ये आ जाएगा -8y -4, 4y -8y -4y, ये कट गया, दोनों में y कॉमन, y-4, आइदर y 0 के इक्वल और y-4 0 के इक्वल। एक y की वैल्यू 0 आ गई, एक y की वैल्यू 4 आ गई। y क्या लेट किया था हमने, x²+3x लेट किया था, x²+3x, 4 को भी इस साइड ले आओ, यहां x कॉमन, x+3, ये x अलग से 0 के इक्वल,
ये एक्स प्लस थ्री अलग से जीरो की इक्वल, या मिडल टर्म फोर के फैक्टर जिनको माइनस करे तो थ्री प्लस माइनस करे तो थ्री आए, 4 एंड 1। ठीक है निश्चय, जी सर। एक्स प्लस फोर माइनस वन एक्स प्लस फोर, एक एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, यहां से एक्स की वैल्यू माइनस थ्री आ गई, यहां दो फैक्टर्स एक्स प्लस फोर एंड एक्स माइनस वन आ जाएंगे। एक्स प्लस फोर को जीरो की इक्वल करेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस फोर आ जाएगी, इसको करेंगे तो एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी। दिस 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 एंड दिस एक बार आगा इसको मॉडल शो कर दीजिए सर, क्या क्या कर दूं, शो कर दीजिए स्टार्ट। ये रहा, ये चीज सेम है ना बच्चे? सर हाँ जी बेटा, सर यहाँ पे डिग्री तो 2 ही है ना, तो सर 2 ही फैक्टर्स आने चाहिए ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेगी तो एक्स की पावर 4 आएगा ना, यस सर, ओके दोनों सर। रिड्यूस करना है ना क्वाड्रेटिक में, ये क्वाड्रेटिक में ही रिड्यूस किया ना हमने, उसके बाद वाई की दो वैल्यूज आ गई, उसको फिर से जीरो की, तो भी क्वाड्रेटिक ही बन रही है हमारे पास, ये भी क्वाड्रेटिक बन रही है, तो चार आंसर आएंगे ना, दो यहां से दो यहां से। ओके ओके सर, निश्चय समझ आ गया? जी सर। निश्चय शुभांगी, यस सर। 6th का सेकंड पार्ट, क्या करें? तो पहले तो x-2 और x-3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सर बहुत अच्छा बच्चा है ये मेरा, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाल देना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी इस साइड ले आओ, -1=0, 1 भी इस साइड आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, करके देख लेना, मैंने शॉर्टकट मार दी, सेम फर्स्ट पार्ट की तरह बन गया। क्या करेंगे शुभांगी? लेट कर लेंगे x-2 -5x को y। हाँ अब इसके बाद तो कर लोगे, निश्चय हो जाएगा, निश्चय तो इसमें आधा तो आ जा रहा है y की वैल्यू, लेकिन वो मैच नहीं कर रही है। मैंने अच्छा तूने सॉल्व कर लिया, आधा ही लगाया था। कोई बात नहीं, डरना नहीं है, ओपन करो, y² + 49 + 14y - y यस माइनस एक्स माइनस वन, वाई स्क्वायर एक ही है, एक ही है ना, यस सर, प्लस +13y, 49 - 7, 42 के फैक्टर्स कोई हैं जिनको प्लस करें, 13, 7 एंड 6, यस 7y + 6y वाई। प्लस 42, फर्स्ट टू में कॉमन लेफ्ट टू में, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं बेटा, दोनों अलग अलग जीरो की इक्वल, y+7=0, y+6=0, y की वैल्यू x²-5x+7=0, x²-5x+6=0, यहां 7 के कोई फैक्टर्स नहीं है तो इसलिए x-b+√b²-4ac/2a। ठीक है शुभांगी, यस सर, सर और यहां से मिडिल टर्म हो रही है 3 एंड 2, एक्स एक्स -3 -2 कॉमन, x-3, समझ आ गया कैसे करना है बच्चे? यहां सर से एक्स की वैल्यू 5 + -√3 ऑयटा हो जाएगा, -3 आएगा ना, उसको √3 ऑयटा लिख सकते हैं / 2, मतलब एक एक्स की वैल्यू आ गई 5 + √3 ओआइटा अपॉन टू, दूसरी आ गई 5 - √3 ओआइटा अपॉन टू, तीसरी वैल्यू इसको जीरो की इक्वल करेंगे 3 आ जाएगी, इसको जीरो की इक्वल करेंगे 2 आ जाएगी, ये 4 वैल्यूज आंसर है 6th का सेकंड पार्ट। हाँ यही है, समझ गए बच्चे? बोलो यस सर, यस सर। 7 सम सिया हाँ जी x सर, इंटू x+2 इंटू x+3
इंटू एक्स प्लस फाइव, किसके इक्वल 72 के, ठीक है। एक्स इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 72। हाउ वी कैन सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व करें? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को कर लो, एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव एक बड़ी ब्रैकेट में डाल दो, इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, क्योंकि यहां भी मल्टीप्लाई करके 5x आएगा, यहां भी मल्टीप्लाई करके 5x आएगा। देखो मल्टीप्लाई करो, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर फाइव प्लस फाइव, यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एक्स। प्लस टू एक्स 5x हो गया ना, हाँ जी प्लस सर। सिक्स, सेम एज लाइक सिक्स क्वेश्चन बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x को क्या ऐड कर लो, y कर लोगे इसके बाद। बोलो हाँ जी बच्चे, रिमेनिंग सर। अंजला, हाँ सर खुशी, सर अगर हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते तो ये नहीं बन पाता पावर ना, फोर आ जाता ना बच्चे, जोड़ी नहीं हो पाते फिर। पावर फोर आ जाता और बहुत लेंदी हो जाता। और क्योंकि हमने किस में रिड्यूस करना है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, ओके। क्वाड्रेटिक ओके सर। फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगेगा, किसी के पावर फोर में भी लग जाएगा। नहीं सर। हाँ जी, एट सम, वैष्णो देवी माता, यस सर। पेट कैसे है तेरा? हाँ जी वैष्णवी, इसमें क्या करें? सर एक्स को पहले वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा? चलो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अब क्या करें? सर एक्स स्क्वायर को लेट कर लेंगे। नहीं, एक्स इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना? यहां पे एक्स एज लाइक एक्स प्लस टू एज लाइक, ये क्या लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस वन को? वैष्णवी, सर एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। हाँ, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अब यहां पे इस सम की तरह करेंगे हम, ओके। यस सर। इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को, क्यों? देखो ये देखा करो कि एक्स अकेला एक्स आएगा ना मल्टीप्लाई करके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो आएगा, माइनस प्लस टू एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स ही बच जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। रुक रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पे बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं शॉर्टकट ही में आ रहा हूँ, टू एक्स माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस टू। सेम क्वेश्चन, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या ऐड करेंगे हम? वाई हो जाएगा इसके बाद। यस सर। नाउ नाइन्थ सम, मैं नहीं करवा रहा नाइन्थ सम, मैं नहीं करवाऊंगा, अपने आप करोगे। टेंथ सम दिस वन, शुभांगी यस सर। हिंट नहीं देखना, जैसे हिंट से तेरे को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सही बात है। सर हाँ जी क्या करें, हाउ वी कैन सॉल्व दिस, बोलिए बच्चे। तो क्या तो मल्टीप्लाई कर मिडल देंगे टर्म कि का पावर फोर आ जाएगा उससे? मल्टीप्लाई टर्म करेंगे। प्लस थ्री है, प्लस सिक्स एक्स माइनस एक्स, और क्या कर दिया मैंने, थ्री एंड टू, थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, फोर के फैक्टर जिनको माइनस करें थ्री आए, फोर एंड वन, 4 and 1। एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस टू आ जाएगा फैक्टर्स, यहां से एक्स माइनस फोर
एंड एक्स प्लस वन आ जाएगी फैक्टर्स। 24 को इस साइड ले आओ, माइनस का हो जाएगा 0 के इक्वल। अब मैं किन किन को कंबाइन करूं पिछले सम की तरह, जो हमने 8 सम किया था और 9 सम किया था, या 8 7 किया था, 6 किया था, एक जैसे थे ना, किसको कंबाइन करूं? 3x, यहाँ से 6x आ जाएगा, नहीं यहाँ से x, यहाँ से नहीं, हाँ इन दोनों को सबको सर नहीं करना है बेटा, कंबिनेशन भी देखना है ना हमें कि किसको कंबाइन करें, कि जैसे पिछले सब में था। देखो इसको मैं कंबाइन करूंगा पहले दोनों को, मान लो सपोज पहले दोनों को कंबाइन करता हूँ, फिर मेरे पास एक्स आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस यस एक्स, आगे कोई भी टर्म होगी माइनस एक्स आएगा। इन दोनों को करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x आएगा, मुझे एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म सेम चाहिए। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करता हूँ, मेरे पास माइनस एक्स आएगा, यहां से भी माइनस एक्स आएगा। देखो यहां मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। यहां करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 2। ओके अब इसको लेट कर लेंगे हम वाई, वाई माइनस 12 इंटू वाई माइनस 2 माइनस 24, इनको मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई प्लस 24 माइनस 24, ये कट गया, y कॉमन y माइनस 14, एक y 0 के इक्वल, एक y की वैल्यू 14 के इक्वल। हमने लेट किसको किया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 14 भी साइड ले आओ, यहाँ x कॉमन x माइनस 1, आइदर x आइदर, एक x की वैल्यू 0 आ गई, एक x की वैल्यू 1 आ गई, इसमें मिडिल टर्म हो रही है 7 2 नहीं हो रही, 14 के मतलब x इज माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 14 4 56 अपॉन 2a, 1 प्लस माइनस रूट 57 अपॉन 2 आ जाएगा। एक दो दो आंसर यहां से, चार आंसर आप, ठीक है बच्चे। ये कौन सा सम था, 10 सम था ना, नहीं हाँ 10 सम का आंसर यही है, ठीक है समझ आ गया बच्चे कैसे करना है। यस सर आगे बच्चे ये वाला सम, एक्स अपॉन वन रूट वन रूट एक्स अपॉन वन माइनस एक्स को एक्स वाई ले लेंगे, वाई प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू 13/3, ये किए थे 10th में याद है अंजला, याद है सरीना में थे ये सम, एस चंद में भी थे, एम एल अग्रवाल में भी थे, अर्नब याद है कि नहीं याद? जैसा यही सेम क्वेश्चन कर रहे थे। हाँ इसमें क्या करना है, पहले स्क्वायरिंग कर देना दोनों साइड पे, फिर सॉल्व करना है। इसमें रूट वाली टर्म एक साइड पे लेके जानी है, फिर स्क्वायर करना है दोनों साइड पे, इसमें भी रूट वाली टर्म एक साइड पे लेके जानी है, रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन माइनस, फिर स्क्वायर करना है, इसमें भी वैसे ही। इसमें 3x² माइनस 4x को हम वाई ले लेंगे, वाई प्लस रूट वाई प्लस 34, अपने आप करोगे, मुझे नहीं आता, यू कैन डू इट योर सेल्फ, ठीक है सारे सम अपने आप करोगे, मैं कुछ नहीं करवा रहा, यू कैन डू इट योर सर सेल्फ। हाँ 13 का 1 दिखा सकते हैं सर, 13 का 1 कहाँ से दिखाऊं, आंसर लो रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 1, दोनों रूट वाली वैल्यूज एक साइड पे नहीं रहनी चाहिए, दूसरी साइड पे ले जाओ, इसको ले जाओ चाहे इसको, मैं इसको लेके जा रहा हूं, ऐसे आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस साइड स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इस साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab ये आ जाएगा, यस खुशी। एक्स प्लस वन 1 प्लस कट गया x माइनस 1 माइनस 2 रूट x माइनस 1, x से x भी कट जाएगा, 1 ओनली 1 बच गया, ये आया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
वन का स्क्वायर वन माइनस टू का स्क्वायर फोर एक्स माइनस वन, मल्टीप्लाई करो फोर एक्स माइनस फोर, 5 इज इक्वल टू 4x, x की वैल्यू 5/4, 30 का फर्स्ट। इन्होंने नो सोल्यूशन दिया, मेरा सोल्यूशन तो आ गया। क्या करें? सर चेक करें क्या चेक करें? शुरू ये से इक्वेशन। उस साइड चला गया, स्क्वायर किया, ये आ गया इसका स्क्वायर, ये वन, ये आ गया, ठीक है, -2 × 1, दिस, ठीक है, 1 + x - 1 माइनस दिस, -1 और +1 कैंसिल हो गए, एक्स उस साइड जाके माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बच गया। -1 या स्क्वायरिंग किया तो ये आएगा ना, पता नहीं क्या गड़बड़ की है इन्होंने, नो सोल्यूशन क्यों लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा, व्हाई दे लास्ट नो सोल्यूशन, सोचो मुझे तो पता नहीं। क्या सर? मुझे तो पता नहीं क्यों नो सोल्यूशन लिखा है इन्होंने, फाइव सर बाय रूट फोर में आंसर आ कभी रहा सर है। नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और टू एक्स से की वैल्यू फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर, करेंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक्स की वैल्यू 5/4 आई है ना, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में फिल करके देखो, चेक करते हैं हम, पर हम वहां पे हमें कैसे पता चला, एक्स के प्लेस पे 5/4 फिल करो, फाइव प्लस फोर 9/4 प्लस डिवाइड और 1/2 हो जाएगा यहां सर से आगे। 3/2 आ, एक मिनट, 4/2 आ रहा है, 2 आ रहा है, पर 1 आना चाहिए, विच नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, देयर फोर नो नो सोल्यूशन, सेटिस्फाई नहीं करना ना एक्स 5/4 इस इक्वेशन को, ऐसे करना है, चेक कर लिख लेना, पर एग्जाम में यार कैसे पता चलेगा हमें किसका आंसर आएगा कि नहीं, हम चेक करेंगे ना सर हर जाएगा, क्वेश्चन में चेक करेंगे। नहीं वही तो मैं कह रहा हूं ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ इसमें चेक करना है कि नहीं करना है, ये तो चलो हमने आंसर पीछे से देख लिया कि नो सोल्यूशन आ रहा है, बाकी ये और है, अगर आप यहाँ तक भी करके आते हो बेटा और इसका आंसर नो सोल्यूशन आ रहा है, तो अगर 3 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे, 1 मार्क कट हो जाएगा, पूरे कट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ तक तो करना ही करना है हमें, अंडरस्टूड? बिल्कुल ऐसे है। अब जो नेक्स्ट सम्स है वो आप खुद ट्राई करोगे, मैं नहीं करवा रहा, ठीक है? अंजला, अर्जुन, ये मेरे पास दो दो आयुष क्यों आ गए थे? हाँ जी कर लोगे बच्चे, बोलो अंजला, अंजला यस कर सर। लोगे ना बच्चे? क्या